मैंने पब्लिश कर दिया होगा था, ठीक है। उसके अलावा फिर एक पेज अगर बनाना चाह रहे हो तो पेजेस पे जाके, एड न्यू पे जाके, फिर सो गया नेट, बैड इंटरनेट कनेक्शन, सो गया है नेट, सो गया है। चार चार पेज बना लेता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा ना इसको डिटेल से बताना चाह रहा था कुछ, तो चार पेज बना लेते हैं। इसे तो ओपन यूज़ कर, अबाउट सर्विस, ठीक है, सर्विस का पेज मैंने पब्लिश किया, अपडेट हुआ, इसके अलावा फिर मुझे एक पेज और चाहिए, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, कॉन्टैक्ट, तो मैंने इसे क्या पब्लिश, अब हमारे पास टोटल पेज आ गए हैं 4। अब आपने क्या करना है, आपने अपीयरेंस में जाना है, अपीयरेंस में जाके मेन्यू में जाना है, मेन्यू में गया, ठीक है, मेन्यू में जब मैं गया उसने मुझे बताया, उसके मेरे पास एक स्ट्रक्चर आया मेन्यू स्ट्रक्चर, उसने कहा मेन्यू का नेम, मैंने मेन्यू का नेम लिख दिया मेन मेन्यू, कोई भी नेम लिख सकते हो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा मेन मेन्यू मेरा, क्योंकि एक वेबसाइट में मैक्सिमम 2 से 3 मेन्यू भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे क्रिएट कर दिया मेन मेन्यू, ठीक हो गया। अब ये एक मेन मेन्यू हमारा क्रिएट हो गया। अब वो कहना चाह बताना चाह रहा है, आ रहा है टेक्स्ट अब हॉरिजॉन्टल हो, एक्सटेंड हो, ठीक है, एक्सपेंडेड हो, उसके बाद मोबाइल मेन्यू हो, फुटर हो और सोशल लाइफ मेन्यू हो, तो मतलब ये कुछ मेन्यू काफ़ी जगह कहाँ कहाँ आप यूज़ करना चाह रहे हैं मेन्यू को, तो मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल चाहिए डिस्प्ले, कहाँ चाहिए मेन मेन्यू, ठीक हो गया। और मैंने इसे क्या किया, सेव किया, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अब ये देखो ये सारे मेरे पेजेस हैं, मोस्ट रिसेंटली जो पेज बनाएगा वो यहाँ शो होंगे और व्यू ऑल में यहाँ पेज होंगे, और सर्च में रिसर्च में जाके आप पेज फाइंड कर सकते हो, मुझे होम का चाहिए तो होम लिखूंगा तो होम का आ गया, ठीक है। तो व्यू ऑल में चले जाते हैं, मुझे चाहिए ये पेजेस, ये पेज चाहिए, बस ये पेज चाहिए, ये पेज चाहिए और ये पेज चाहिए, 1 2 3 4, होम ऑलरेडी 2 बना है तो इसके लिए हमें होम का 1 चाहिए, तो ये 4 पे चाहिए, और लिखा हुआ है ऐड टू, सिलेक्ट ऑल करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे चाहिए ऐड टू मेन्यू, ऐड टू मेन्यू में क्लिक किया। अब ये इस तरह की तरतीब से आ गई, मुझे इनकी तरतीब सेट करनी है होम अबाउट सर्विस, तो क्या करूँगा सिर्फ यहाँ से उठाऊंगा और इसे ऊपर ले जाऊंगा, अबाउट ये मैंने क्या किया उठाया और यहाँ पर ले गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमारा मेन्यू सेट हो गया, होम अबाउट सर्विस और कॉन्टेक्ट, ये एक लाइन पे आ गया, और डेस्कटॉप पे कैसा शो होगा, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो मोबाइल मेन्यू भी होना चाहिए तो मोबाइल पे क्लिक कर दें, फुटर पे, फुटर होता है लास्ट पे जो लगा होता है, ठीक है, मैं आपको फुटर पे लगाना चाह रहे हो, अगर नहीं लगाना चाह रहे तो कोई इशू नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं मुझे जरूरत नहीं है फुटर पे, अक्सर लगा होता है, लोगों ने लगाया होता है फुटर पे, ठीक है, तो लगा सकते हो, तो मुझे नहीं जरूरत थी तो मैंने नहीं लगाया, लगाना चाह रहे तो लगा सकते हो, ठीक है। मैंने इसे क्या किया, अब मेरे पास ये मेन्यू बन के आ गया, तो मैं अपनी साइट को विजिट करता हूँ, राइट क्लिक करके तो देखता हूँ, ये देखो होम अबाउट सर्विस और कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, मेन्यू पेज, ठीक है। तो अब एक और चीज, ये वाले सेक्शन के नीचे जो लिखा होता है ये नहीं खत्म होगा कौन सी वाली, वो होगा डायरेक्ट पे जल्दी जल्दी। सब खत्म हो जाएगा, वो ये बिल्कुल जो पेज है ना, जो सा ये पेज है, ये पेज ये पूरा ब्लैंक हो जाएगा, सिर्फ ये चीज रह जाएगी, ये वाला पोर्शन पूरा रह जाएगा, ठीक है, ये वाला, ये चीज, ये सारी रह जाएगी, ठीक है, और लास्ट पे ये रह जाएगी, ये सब कुछ उठ जाएगा,
अंदर वाला सारा कुछ उड़ जाएगा। सिर्फ उसे अभी समझा रहा हूँ, तो अभी उड़ा नहीं रहा। ओके, तो सर इसका फॉन्ट साइज और ये चीजें भी चेंज नहीं हो रही साइज सब में। सब कुछ चेंज करो। साइज बार पे जाना था। टाइटल सर चेंज नहीं हो रहा, मैं साइड बार पे गया, टाइटल का चेंज नहीं हो रहा, टाइटल का फॉन्ट साइज तो देखे पर बहुत गलत कौन सा टाइटल? ये वाला टाइटल? शायद हो जाए। जी सर ये ये वाला नहीं चेंज होना, क्या हो गया? सर, ये नीचे वाले आइकॉन भी खत्म नहीं हो रहे जो इसके नीचे ये हैं। शो भी नहीं होना कहीं आपको, ठीक है? ये यहीं पर सिर्फ शो हो रहा है। कौन से आइकॉन कह रहे हो? जो इसके नीचे है सर, बाय एडमिन वाला जो ये वाले जी सर, बाय एडमिन डेट और ये नो कमांड, ये भी खत्म नहीं होते मैंने सर। मैंने सिर्फ और अभी पोस्ट बनाना बताई है। जी सर पोस्टर तो क्रिएट कर ली थी बस सर। ठीक है, क्रिएट कर लेना। बाकी अभी काम ही नहीं है किया हमने, थोड़ा जो काम करेंगे अभी कर लेंगे। जी ठीक चले है, हाँ ठीक है तो अभी जरूरत नहीं है, मैं जब करूँगा बता दूंगा। ठीक है, तो अब दोबारा वापस आ रहा हूँ। मैंने होम पेज क्रिएट किया। अब मुझे एक और पेज इतना बनाना है, मुझे दो तीन और पेजेस चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ तो मैं राइट क्लिक करके न्यू और टैब पे ओपन कर लूँगा, अदरवाइज मैं सीधा होम पेज रहता हूँ। मुझे ज़रूरत है दो तीन पेजेस और की, क्योंकि थोड़ा सा और अच्छी तरह समझा जाएगा। नेट को क्या हो रहा है यार, नेट स्लो हो, नेट बहुत स्लो ज्यादा हो रहा है। तो ठीक है, तो मुझे चाहिए टोटल 3 से 4 पेजेस बना लेते हैं। शॉप का पेज बना रहा हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा जल्दी बना रहा हूँ, बन जाए जल्दी नेट की वजह से। ठीक है, शॉप का बनाया। शॉप के अंदर मैंने पेजेस, शॉप का पेज बनाया। एक मैंने शर्ट, शर्ट्स का बना दिया। शर्ट्स का बनाया, पेजेस पैंट्स, खैर दो मिनट ये पहले। न्यू पेजेस बना रहे हैं ना जी मेरे साथ तो। जी जी न्यू न्यू पेजेस बना रहे, सारे न्यू बना रहा हूँ, शॉप वगैरह ये चीज़ें। उसके बाद पैंट बना लिया, उसके बाद मैं बना देता हूँ शॉप, टी शर्ट का बनाता हूँ एक। उसके बाद एक और बना, लास्ट लास्ट बना लेते हैं शूज़ का। तो वो मेरे पास काफ़ी पेजेस बन गए, अब मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं वापस जा रहा हूँ अपने वहीं पर। कहाँ जाना है? अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में मैं नहीं हूँ, ठीक है? मैं चला गया। तो मेरे पास टोटली ऑलरेडी तो ये पेजेस है। अगर मैं ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर देता तो जो भी न्यू पेज बनना था वो नीचे लास्ट पे आ जाना था। ठीक है, तो अगर करना हो तो कर देना, अदरवाइज नहीं जरूरत तो कोई इशू नहीं है। अब मैंने क्या किया, मेरे पेजेस काफ़ी बन गए। तो मेरे पास कौन कौन सा पेजेस मैंने न्यू बनाया, एक ये और एक ये, देखो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऐड टू मेन्यू, ऐड टू मेन्यू में क्लिक किया और ये चला, इस तरह का पेज बन गया। अब मुझे शॉप चाहिए यहाँ पर। अब शॉप्स के अंदर क्या क्या हो सकता है? शॉप्स के अंदर शर्ट थी, मेरी पैंट थी, टी शर्ट थी, ठीक है, और थोड़ी ये शूज है। ये शॉप है, ठीक है? अब शॉप के अंदर क्या हो सकता है? टी शर्ट, पैंट, शर्ट, बेशुमार चीज़ें हो सकती है, कोई भी शॉप बना सकते, इलेक्ट्रॉनिक की जो भी बनाना हो, ठीक है? अब मैंने क्या किया, मैंने इसे उठाया, मुझे शर्ट चाहिए, मैं कह रहा हूँ पहले नंबर पे शर्ट आई, तो मैंने शर्ट को उठाया। ये थोड़ा सा इधर है ना, इसे थोड़ा सा आगे कर दिया यहाँ पर। ये क्या हो गया, ये देखो लिखा आ गया सब आइटम, ये इसका सब मेन्यू बन गया। मैंने पैंट को उठाया और यहाँ पर लगा दिया, मैंने टी शर्ट को, शर्ट को उठाया और यहाँ पर लगा दिया, अब मैंने शूज़ को उठाया और यहाँ पर लगा दिया। अभी ये क्या हो गया, इसके प्रॉब्लम मेरे पास है। जी 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 प्रॉब्लम मेन्यू बन गया। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये बन गया ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब मैं इसको थोड़ा सा ना यहाँ पर लेके आना चाह रहा हूँ, थोड़ा समझाने के लिए। अब यहाँ पर आ गया, मैंने क्या किया, ये ऊपर वाला सेव नहीं करना क्योंकि ये सेम मेन्यू है वो। थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा दोबारा, ठीक है, मैं कर जहाँ देता से ये ड्रॉप डाउन मेन्यू इसका ये बनाया ना, वो थोड़ा सा रिपीट हूँ। कीजिएगा। ये देखो ये साइड में पड़ा है, वापस ला रहा हूँ, दोबारा देख लेना। अभी देखो ये शॉप का पड़ा हुआ है मेरा। अगर मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव किया मैंने, फिर नीचे वाला सेव करना है क्योंकि ऊपर वाला कौन सा सेव है, ऊपर वाला मेन मेन्यू का नेम है वो सेव हो रहा है, अगर नेम चेंज करना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैंने किया, रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये एक लाइन पे सारे ऐसे आ रहे हैं।
तो ये अच्छे नहीं लग रहे मुझे, तो कोई भी देखेगा उसे अच्छा नहीं लगा। एक लाइन में तो नहीं कभी देखा आपने कभी, एक लाइन में ऐसे हो शॉप का अगर कोई भी खोलोगे ना। ओप्स हीटर, ठीक है तो मैं दिखाता हूँ। ठीक है अब ये देखो, आउटपुटर ने अगर कलेक्शन दिया है तो ये देखो सेल कलेक्शन दिया, तो ये देखे ऐसे दिया ना, क्या हो गया ऐसे। अब ये देखो सेल कलेक्शन दिया तो नीचे नीचे आ रहे हैं ना, ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ रहे हैं ना, शर्ट आ रहा है, पोलो शर्ट आ रहा है, चीनो आ रहा है, शॉर्ट्स आ रहा है, टी शर्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो हम अब ये देखो हमने भी तो बनाना है, इसी तरह बनाना है, इस तरह ही अच्छा लगता है ना, कि हम एक तरतीब से सीधा लिखा होता वो अच्छा लगता, कभी भी नहीं अच्छा लग रहा था। ठीक है तो हमने क्या किया, मैं अपने पे गया रहा हूँ, ठीक है वेबसाइट पे गया, मैंने क्या किया, मैंने शॉप किया, मैंने कहा शॉप के अंदर उसने क्या था, उसने क्या बनाया हुआ था नेम सेल का, तो मैंने नेम बनाया हुआ शॉप का, जैसे मर्जी नेम दे दो कोई शॉप, ठीक है। मैंने उठाया ये देखिए, सिर्फ उठाना है यहाँ पे, पकड़ना है क्लिक करके, ठीक है। और ये यहाँ पर, यहाँ पर मेन्यू बन रहा है, ये यहाँ पर सब मेन्यू बन रहा है, मैं यहाँ पर छोड़ दिया बस, यहाँ से पकड़ा और यहाँ पर छोड़ दिया, यहाँ से पकड़ा और यहाँ पर छोड़ दिया, यहाँ से यहाँ पकड़ा भी खुद। एडजस्ट करेगा यहाँ भी से। हाँ ये देखो अब मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, ये मेन्यू बन गया, तो अब मैंने इसे सेव कर लिया, ठीक है। तो सेव किया है तो अब देखते हैं कैसा मेन्यू बना है, मैंने सेव किया, अब देख ये देखो निशान बन के आ गया, अब ये देखो ड्रॉप डाउन हो गया, ये अब देखिए ड्रॉप डाउन बन गया मेन्यू। अब जैसे ही मैं होवर पे जाता हूँ, ये देखो मेरा कर्सर ऊपर जाता है, साथ ही वो उसे शर्ट पे ओपन कर देता है, बाकियों में नहीं कर रहा क्योंकि बाकियों में मैंने लगाया ही नहीं, ठीक है ये देखो ठीक हो गया। अगर इसी तरह अगर टी शर्ट के मेन्यू बनाने तो उनको भी थोड़ा सा आगे ऐसे मूव कराएंगे, हाँ ठीक ये चीज यही बताना चाह रहा था। अब मैंने, हो गया। हाँ ठीक अब मैं, है अब ये समझ लो शर्ट है ना, ये शर्ट है मतलब पैंट का सब सब मेन्यू, तो मैंने क्या किया थोड़ा सा इसे आगे गया, अब ये देखो सम एटम किसका बन गया, पैंट का, तो मैं इसे जी सर, ठीक हो गया। अब ये पैंट का बन जाएगा, ये देखो ये भी पैंट का बन गया। अब ये देखो ये पैंट भी इसके शामिल है। सेव किया और रिफ्रेश ऑटोमेटिकली बेसिकली हो जाता है वर्डप्रेस में, करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, अक्सर बार कभी जरूरत पड़ जाती है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने रिफ्रेश किया तो शॉप पे गया, ये देखो टी शर्ट और पैंट, और उसका क्या पैंट का दो क्या है शर्ट और शूज, दो ड्रॉप डाउन, ठीक हो गया। इसमें सर कोई ऑप्शन भी है कि ये आगे इसका जो मेन्यू के बाद आगे सब मेन्यू बन रहा है वो राइट साइड पे डिस्प्ले हो या लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले हो, मतलब वो हाँ स्क्रीन के साइज के मुताबिक हमको एडजस्ट करना है। वो सब कुछ देखेंगे ना, अभी तो सिर्फ बेसिक काम कर रहे हैं, ये समझ आएगा, आगे काम होना स्टार्ट खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक ठीक बेसिक है समझ रहे सर, हैं आज, ठीक है ये हो गया, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा मेन्यू बन गया। अब हमें क्या करना है, हमारा स्ट्रक्चर प्रॉपर हो गया है, अब हमें ये कस्टमाइज है, ठीक है कस्टमाइज में हमने जाना है सिर्फ, ठीक हो गया। तो कस्टमाइज में हम जाते हैं, कस्टमाइज को देख लेते, जो कोई भी थीम है, थीम बहुत सारे थीम्स हो सकते हैं, अगर आप गूगल पे करते हैं रिसर्च तो थीम अगर सर्च करते हो तो थीम फॉरेस्ट है, ठीक है वेबसाइट थीम फॉरेस्ट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ थीम सेल होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसे वैसे ही खोल लेता हूँ, रैंडमली खोला है तो थीम फॉरेस्ट भी खोली है, तो इसमें बेशुमार चीज़ें सेल होती हैं, ये कहते हैं कि अगर सेल जो सा कह रहे हैं ना सेल पॉइंट, ये वो चीज़ है, मतलब एक पॉइंट बना दिया गया सेल करने का, वहाँ यहाँ से सेल होती है, क्या सेल होती है, वर्डप्रेस टेम्पलेट किट होस्टिंग
HTML, मार्केटिंग, CMS, ई कॉमर्स, UI टेम्पलेट, प्लगइन, लोगो मेकर। क्या टैबलेट जो है वो $40 $20 इतने महंगे महंगे टैबलेट है। ये तो कुछ नहीं है, 200 200 300 300 के भी है। ये देखो ये टेम्पलेट है। मैंने सर का सर्च किया था। हाँ बहुत बहुत महंगी है। ठीक है ये देखो टेम्पलेट है। ये देखिए ये सारे टेम्पलेट हैं, लोगों ने बनाए हुए हैं, बना बना के डाले हुए हैं। ठीक है फिर इनके काफी इसके रोले हैं, बाकी वो बाद में देखते हैं। बाकी ये टेम्पलेट है ठीक है, इसको भी इग्नोर कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट में जाते हैं, इसको डिटेल से देखेंगे। अब हमने क्या किया, सर इसको क्रैक कर सकते हैं टेम्पलेट को? नहीं बताऊंगा भी, सारा कुछ बताऊंगा अभी, हौसला कर लो। तो ठीक है तो वापस जा रहा हूँ मैं, वापस जाके दोबारा ओपन कर रहा हूँ। देख मैंने क्या किया, अपेयरेंस में मेरे पास एक क्या था, पहले मेन्यू था, अब मेरे पास क्या है कस्टमाइज। तो मैंने कस्टमाइज पे किया, कस्टमाइज पे जैसे ही मैं जाता हूँ तो मेरे पास पेज ओपन होता है। कस्टमाइज में ना थोड़ा सा ना लोड ज़्यादा लेता है, एक मिनट थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, अदरवाइज कस्टमाइज में थोड़ा सा लोड वैसे भी लेगा। ओके मेन चीज़ है कस्टमाइज। हो गया, अब पहले जाने देना। ठीक है तो काफ़ी सारे टेम्पलेट हैं, बेशमार टेम्पलेट, $9 का भी दे रहा है वो, दूसरा किट है, सच एक किट है जो सस्ती है ना, किट दे रहा है। सारा एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या चीज़ें क्या होती है अभी के लिए। लोगो मेकर, बिजनेस, स्पोर्ट्स, किसी वेबसाइट के लिए कोई गेम या टेम्पलेट इस तरह परचेज किया है? मैं नहीं करता, क्लाइंट को कह देते हैं परचेज कर दो, उसको दे देते लिंक, सेंड कर देते हैं, वो परचेज कर देते हैं, खुद नहीं करते कभी। ये चीज़ें क्लाइंट से करवाते हैं, खुद नहीं करते। ऑफलाइन हो ना फिर खुद कर लो, ऑनलाइन है कभी खुद कर। उसका पता क्या होता है, मैं क्या डिमांड भी ऑन डिमांड भी तो आ जाती है। ऑन डिप मैं बताता हूँ ना, वही मैं बात कर रहा हूँ ना। अब क्योंकि आप हम होते हैं सेल, हम सेल कर रहे हैं ना, तो हम उसको क्या करते हैं लिंक सेंड करते हैं, वो पे कर देते हैं। ठीक है पे करता है वो, क्योंकि उसने हमें भी उसने हमें भी पे करना है। ठीक है तो वो उसे भी पे कर देते हैं, इससे ये बेनिफिट होता है, क्योंकि हमने आपके एंड पे तो सिर्फ सर्विस मिलेगी, बाकी अगर कोई चीज सही होगी तो वो खुद अपनी पे करके लाएगा। उसको बताना है कि ये मेरी परचेज है, आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है पेड थीम वगैरह की, तो उन्हें बताना होता है कि मुझे ये चीज़ की जरूरत है, जी ये मुझे चीज़ जरूरत है, मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, ये मुझे परचेज कर लो। ठीक है जी। तो वो क्या नाम है, बजट उनके साथ है, वो थोड़ा होता है, वो उससे सेपरेट होती है वो प्रोजेक्ट हर चीज़ लेना होती है। के अलावा? हाँ अक्सर क्लाइंट आते हैं वो कहते हैं हर चीज़ आपकी है, होस्टिंग, डोमेन, हर चीज़ आपकी है। ठीक है तो वो जब हम इस तरह के ऑर्डर तब आते हैं जब आप ना फाइबर पे ओल्ड हो जाते हो थोड़ा सा, तो लेने तब भी ही लेने इस तरह के ऑर्डर, क्योंकि पहले आप लोगे ना तो आपको लॉस ये होगा कि अभी आपकी अर्निंग भी उतनी नहीं हुई जितने का वो ऑर्डर है और जितने का वो थीम और वो है। होस्टिंग और इसलिए ना आप आपको वो लेना चाहिए, इसलिए हम उस पर नहीं यूज़ करते। मैंने खुद अभी तक ना एक दो वेबसाइट इस तरह की बनाई है, मैं खुद नहीं लेता यार। असल में कभी कभी यही होता है, क्लाइंट निकल भी आते हैं, गंदे भी निकल आते हैं, फिर वो अगर ऑर्डर कैंसिल कर दे तो आपके वो भी पैसे ज़ाया हो जाएंगे जो आपने लिए, इसलिए उसी को कह देते हैं कि हर चीज़ वो खुद दे दे। आप तो डिवेलपर हो यार, बोल नहीं रहा क्या हो रहा है ऐसे। ये ओके सर, तो जो थी हम वो परचेज करके देंगे वो उसमें क्या वो सर वो वार्ड करेंगे? बता दूंगा अभी, हौसला कर लो, सारा कुछ बता दूंगा, अभी शुरू किया अभी तो हर चीज देख ली है। ठीक है सर, ये बात तो सही है, आप तो ट्रांसफर है, आप तो खुद ही क्रिएट
वो करना ही पड़ता नहीं, ये चीजें ऐसी होती है ना कि ज्यादातर हर काम में मतलब होता है। हाँ ठीक है, हर चीज नहीं मिलती, हर चीज को देखना पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए ना आपको आपको टेम्पलेट लेना पड़ता है। हर काम होता है चीज उसके पास। हाँ आपको टेम्पलेट लेना ही पड़ता है कभी कभी कुछ चीज़ों में, ठीक है, तो इसको इग्नोर करते हैं अभी के लिए, अभी यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये चीज़ ओपन हो गया, मैंने क्या पेरेंट्स पे गया, अब पेरेंट्स पे जाके मैंने क्या किया, कस्टमाइज में चला गया। अब मेरे पास कुछ इस तरह के हैं, अब उसमें तो है कि आपके पास एक्टिव थीम जो है 2020 है, ठीक है, जो थीम हमारे पास है वो कौन सा है 2020, और अब उसमें तो है कि आपके पास साइड आइडेंटिटी पे रहते हैं, साइड आइडेंटिटी जैसा कि हमारा ब्रांड नेम, ब्रांड नेम कौन सा होता है, लोगो, ठीक है। अब ये देखिए ये सैंपल था, तो मुझे यहाँ पर चाहिए था अपनी वेबसाइट का नेम, मेरी वेबसाइट का नेम था, मेरी वेबसाइट का नेम सैंपल ही था वैसे, वो सेम टेक टेक वेबसाइट देखो, नहीं देते, चलो टेक 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 नहीं कर लेते, टेक शॉपिंग लिखते हैं। ठीक है, तो वो ठीक है लिख दिया। अब टैगलाइन में ब्लॉग्स मुझे नहीं चाहिए, टैगलाइन होती है कि लोगों के साथ छोटा सा टैगलाइन लग जाती है, अगर आपने कभी देखी होती है, तो मैं टैगलाइन पे अगर मैं लिखता हूँ टेक्निकल, ठीक है, सही कहा, तो अगर अगर आप टैक्स लिखना चाह रहे हो तो आप टैक्स लिख सकते हो, अगर आप चाह रहे हो कि मैं टैक्स नहीं लिखना चाह रहा, तो आप क्या करते हो, सिलेक्ट लोगो पे जाते हो, यहाँ पर होगा अपलोड का एक ऑप्शन, तो मीडिया में मेरे पास ऑलरेडी कुछ नहीं पड़ा होगा क्योंकि मैंने कोई अपलोड कुछ भी नहीं किया, तो मैं अपलोड फाइल में जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है, क्लाइंट लोगो, तो मुझे ये लोगो प्रोवाइड किया, मैंने लोगो पे गया, लोगो हो गया मीडिया में, लाइब्रेरी में आ गया, अब ये मीडिया लाइब्रेरी में परमानेंट रहेगा जब तक आप खुद रीड नहीं करोगे, ठीक है, तो सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, अब वो पूछ रहा है इमेज क्रॉप का, तो अगर तो इमेज क्रॉप करनी है तो कर दो, अगर नहीं करनी तो सेलेक्ट कर, आगे क्रॉप आएगी, देखो अब वो कह रहा है स्किप क्रॉप या क्रॉप करनी है, तो हमें असल में लोगों के लिए इसको क्रॉप करना ही पड़ता है, ठीक है, लोगो हमेशा ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होता है, ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में नहीं है, ब्लैक फॉर्म में है, ठीक है, ये देखो मुझे इतना चाहिए, तो मेरा थोड़ा सा पेज कौन सा होगा, ब्लैक हो जाएगा, को भी तो वादा था अरे हमारा असल में ये वो है ना, ब्लैक पेज में है ना, ये ब्लैक में नहीं होगा, आपको ट्रांसपेरेंट में मिलेगा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, क्रॉप कर दिया, क्रॉप इमेज, अगर नहीं करना चाह रहे तो स्किप कर देना था, ठीक है, तो मुझे चाहिए था, मैंने क्रॉप कर दिया, अब क्रॉपिंग हो रही है, असल में नेटवर्क का इशू है, अदरवाइज ये बहुत जल्दी फास्ट वर्क करता है। अब देखो टेक्निकल की जगह मेरा लोगो लगेगा, ठीक है, अभी देखो टेक्निकल की जगह मेरा क्या लग गया, लोगो, और ये टेक्निकल क्या है, ये टैग है, ये टैग लाइन है, अगर लिखना हो, अक्सर लोगों ने लिखी होती है, अक्सर ने नहीं लिखी होती, अगर नहीं लिखना तो कोई इशू नहीं है, इसे डिलीट कर दो, ठीक हो गया, आगे भी चीजें देखते हैं, ठीक है, अब यहाँ तक हो गया हमारा लोगो कंप्लीट, अब आपने क्लोज नहीं करना, आपने ये वाले बटन को देखना है, यहाँ पर वापस जाना है, अब आपका पास आ गया कलर, ठीक है, अब कोई कल कह रहे थे कलर स्कीम चेंज करनी है, तो अगर आप कलरिंग पे जा रहे हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर, तो अगर बैकग्राउंड कलर मैं इसको चेंज कर लूँगा, ठीक है, अब ये देखो हर तरह का बैकग्राउंड कलर है, मोस्टली जो बैकग्राउंड कलर यूज करते हैं हम ब्लैक एंड व्हाइट यूज करते हैं, ब्लैक या व्हाइट, तो मैं व्हाइट यूज कर रहा हूँ, और ब्लैक भी ठीक है, जो सा यूज करना है, मोस्टली हम ब्लैक व्हाइट यूज करते हैं, बहुत कम होता है कि यूज करते हैं दूसरा कलर, तो जो अभी के लिए हम जो मर्जी यूज कर लेते हैं, हमें क्योंकि हम सिर्फ सैंपल देख रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ समझ रहे हैं, तो कोई भी यूज कर लो, ये ठीक है, ठीक है, अब कोई कुछ भी क्लिक का कोई ऑप्शन नहीं है, वापस क्लिक करके कहीं भी यहाँ पर क्लिक कर दो, ठीक है, अब पूछ रहे हैडर एंड फुटर बैकग्राउंड कलर, हैडर का बिल्ट इन कलर क्या हैडर का बिल्ट इन कलर है व्हाइट, हमें इसका चाहिए कलर ब्लैक, तो मैं कह रहा हूँ ब्लैक, ठीक है, अगर ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, कोई और अच्छा लग रहा है तो वो कलर कर दें, ये भी ठीक है, ये कलर कर दिया, अब वो कह रहा है डिफॉल्ट सर ब्लैक ही करते हैं लोगो कलर भी ब्लैक ही है। ठीक है यार कोई इशू नहीं, अभी तो सिर्फ समझ रहे हैं, ठीक है, बाकी कलर स्कीम अभी देखेंगे, वो अभी इशू नहीं है, अभी समझ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, मैं वापस जा रहा हूँ, अब मेरे पास थीम ऑप्शन आ रही है, थीम ऑप्शन में वो कह रहा है फुल टेक्स्ट लिखना है, समरी लिखना चाह रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, शो सर्च इन हेडर, ये जो सर्च है शो करवाना चाह रहे हो, मेरे का मुझे नहीं चाहिए, अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि तो नीचे आई हुई थोड़ी सी, ठीक है, रिसर्च गैप हो गई, शो ऑथर बायो, बायो पे कहीं ऑथर का नेम लिखा होगा, हमें वो भी नहीं चाहिए, वो भी डिलीट कर दिया, ठीक है,
हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ ठीक है, खुद ही होता रहेगा। हम वापस आए, हमने क्या किया, अब यहाँ पर कवर टेम्पलेट है, कवर टेम्पलेट में ओवरले बैकग्राउंड कलर है, ओवरले बैकग्राउंड कलर जो सा है ये वाला चीज मेरा ख्याल नहीं है, ओवरले देखना पड़ेगा कौन सा ओवरले है, अदरवाइज अभी सो गया। ओवरले अभी बैकग्राउंड कलर, ओवरले टेक्स्ट कलर, ओवरले मतलब होता है कि एक चीज के ऊपर वाला लेयर जो सी होती है, जैसे मैंने आपको वो बताया था इमेज लगाते थे इमेज के साथ, हम उसके आगे अगर किसी ने सीएसएस की हो, सीएस में मैं पहले उसके साथ लिखता था आरजीबी कलर लिखता था ओवरले, ठीक है, उसके बाद दो कलर देने, उसके बाद मैंने हीरो इमेज बनाने के लिए मैंने दो कलर दिए, उसके बाद इमेज लगाई, ये वो उस जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे ओवरले कहते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है वो पैसे नहीं यार, मैंने बताया था आपको वो दो कलर नहीं दिए थे हीरो पिक के ऊपर, याद हो हीरो पिक जब बनाई थी, ठीक है, वो जो चीज है इसे ओवरले कहते हैं, ठीक है, ओवरले टेक्स्ट होता है और ओवरले बैकग्राउंड कलर, तो अभी मेरी जरूरत नहीं थी, तो बैकग्राउंड इमेज लगाना चाह रहे हो तो लगा सकते हो, तो यहाँ पर ये कलर की जगह इमेज लग जाएगी, ठीक है, इमेज भी जरूरत नहीं है हमें। तो अब मेन्यू, अब ये देखो वही मेन्यू है जो हमें वहाँ क्रिएट किया है, ये देखो वही मेन्यू ना क्लिक करके आया, तो अगर क्रिएट न्यू मेन्यू करना चाह रहे हो तो क्रिएट न्यू भी कर सकते हो, तो हमें नहीं जरूरत। विजेट, विजेट क्या होते हैं, साइड बार, अभी तो नीचे के आ रहे, अदरवाइज ये साइड पे जो ऑप्शन आ रही होती हैं वो होती हैं हमारी विजेट, तो विजेट से खोल के विजेट पे खेल सकते हैं, दो फुटर दो विजेट बने हुए हैं, ये विजेट ये है विजेट, उसने फुटर के दो विजेट बनाए हुए हैं, फुटर वन फुटर टू फुटर थ्री और फुटर फोर होना चाहिए, चार होते हैं, ठीक है, टोटल चार फुटर होते हैं, तो अगर ये हिडन कंट्रोल करोगे तो देख सकते हो आप, ये देखो एक दो, अक्सर जगह तीन होते हैं, अक्सर जगह चार होते हैं, तो क्लिक किया, तो हमें ये फुटर नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया सिंपल, यहाँ से गया और रिमूव कर दिया, यहाँ पर गया रिमूव कर दिया, आप फुटर को डिलीट नहीं पूरा कर सकते क्योंकि वो बिल्ट इन बना हुआ है उनके अंदर फंक्शन, अगर डिलीट करना है तो बैकएंड से होगा, वो भी बताऊंगा कैसे होते हैं, अब फुटर वन डिलीट हो गए, अब फुटर वन के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी डिलीट कर रहे हैं, ठीक हो गया, अब ये भी डिलीट हो गया, अब देखो हमारा फोटर सिर्फ वही सिंपल रह गया 2065 पावर बॉय वर्ड, और मैं जो वापस आ रहा हूँ वापस किया, अब मेरे पास क्या है होम पेज सेटिंग, होम पेज सेटिंग में मैंने जो लेटेस्ट पोस्ट पे लगाया हुआ था, पर क्यों लगाया था, अभी देखो लेटेस्ट पोस्ट शो हो रही थी, ये पोस्ट हो रही है ना, पर हमें पोस्ट नहीं शो करवानी थी, हमें क्या शुरू करना था पेज, स्टैटिक पेज में जाके होम पेज को हमने सेलेक्ट करना था, बस ये हमारा होम पेज है। अब हम इसे क्या करें, अब वेबसाइट को घूम लेते हैं, ये जो खलारा था ये सारा खत्म हो गया, अब ये सारा खलारा खत्म हो गया, सिर्फ क्या रह गया, हेडर रह गया और फोटो रह गया, ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। एक और चीज बताई थी आपको, तो एक चीज़ मैंने एक और बताई थी, मैं वापस आ रहा हूँ, मैं मेन्यू में दोबारा वापस आ रहा हूँ, मेन्यू में ही ऑलरेडी, ठीक है, जब भी हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाते हैं ना, ठीक है, तो जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में मेन मेन में होता है ना, जैसा कि हमारे मेन में क्या था, ये मेन में था शॉप, ठीक है, शॉप जो शॉप होता है ना उसका पेज डिवेल्प नहीं करते हम कभी भी, उसका जो ड्रॉप डाउन बना होगा उसका पेज डिवेल्प नहीं करते, कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो जिसका ड्रॉप डाउन बना होगा उसका पेज डिवेल्प नहीं होता है, हमने शॉप का पेज डिवेल्प किया था पर अब से कभी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, शॉप क्योंकि हमारा मेन नहीं है, शॉप हमारा क्या है, शॉप के अंदर सब डोमेन आ रही है, सब नेम आ रही है, ठीक है, इसलिए हम शॉप का नेम डिवेल्प नहीं करते, शॉप सिर्फ दिखाने के लिए कि इसके अंदर चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कस्टम लिंक में जाते हैं, कस्टम लिंक में जाके पहले तो मैं यहाँ पर वैसे ही हैश लगा रहा हूँ, हैश लगा रहा हूँ, हैश का मतलब है अपने अंदर लोड कर ले, और लिंक का नेम ले रहा हूँ शो, और इसे ऐड टू मेन्यू में कर रहा हूँ, अब ये क्या हो गया, ये हमारा शॉप यहाँ पर बन गया, और मैं इसे उठा के
यहाँ पर लाता हूँ, और ये शॉप देखिए जो ओल्ड शॉप था उसे क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, एड टू ट्रैश। इसे इसके आगे लेके आया, इसको इसके आगे, ठीक है। अब ये देखिए, अगर आप चाहते हैं, मैं इसको सेव कर रहा हूँ सर, इसकी समझ नहीं आई आपने क्यों डिलीट किया। बताता हूँ, असल में मैंने डिलीट इसलिए किया, ये देखिए, अगर मैं कोई वेबसाइट खोलता हूँ, अगर ठीक है, अब ये देखिए मैन है, मैन पे क्लिक कर रहा हूँ, मैन पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो मुझे कहाँ पर लेके जा रहा है, मैन अदरवाइज ये पेज बना हुआ है, इन्होंने ये पेज पे बनाया हुआ है। अक्सर वेबसाइट्स होती हैं जिन्होंने जैसे ह्यूमन पे क्लिक किया ना, तो वो पता क्या करती है, वो क्लिक होने पे पेजेस पे नहीं लेके जाती। अगर मैं एक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ, इसमें भी ऐसे होगा, ये देखिए मैं रिसोर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, नहीं कॉन्टेक्ट पे आ रहा है क्योंकि वो नहीं है, ये अबाउट पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, कोई काम परफॉर्म नहीं हो रहा, जो जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें क्लिक कर रहा हूँ कोई काम परफॉर्म नहीं हो रहा। अक्सर जब ये बनाना होता है ना तो फिर हम पेजेस नहीं बनाते, ठीक है। अगर इस तरह का बनाना है तो पेज नहीं बनाना, अगर आपने ये चीज बनानी है जैसा कि वुमेन पे क्लिक किया तो ये चीज ओपन हो गई, सेल पे क्लिक किया तो सेल आ गई, तब हमें पेज बनाना पड़ता है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है जैसा ये है, फिर हम पेज नहीं बनाते, फिर हम क्या करते हैं, सिंपल क्या करते हैं, सिंपल हम जाते हैं, हम जहाँ ये देखो ये कस्टम लिंक लिखा हुआ है, ये कस्टम लिंक वो होता है जब हम लैंडिंग पेज बनाते हैं तब कस्टम लिंक यूज होता है, तो वो आगे की डिटेल है मैं डिटेल से बताऊंगा, पर अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि जब कस्टम लिंक यूज करते हैं तो हैश यूज करते हैं, हैश होता है कि अपने अंदर ही रिफ्रेश करता है, ठीक है। अब मुझे कस्टम लिंक में कोई नेम और चाहिए, मुझे कॉन्टैक्ट का पेज के अलावा भी एक कोई और नेम ऐसा चाहिए जिसमें सिर्फ अपने अंदर ही वो रिफ्रेश जैसे करता रहे, कोई भी हो सकता है, जैसे मैन था तो मैंने लिखा मैन, क्लोथ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने मैन क्लोथ का एक लिंक बना दिया, अब अगर मैं इसे सेव करके देखूँ, सेव कर रहा हूँ तो रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब देखो मेन क्लोथ का बन गया है, तो जैसे ही इसे रिफ्रेश करता हूँ ये रिफ्रेश नहीं होता, इस पर कुछ भी नहीं होता, मैं शॉप पे क्लिक करूँगा शॉप पे भी कुछ नहीं होगा, सेम चीज़ ये बन गई, ये वाली सेम चीज़ बन गई, ये देखिए, ठीक है। कभी ये सिचुएशन आई थी, ठीक है, कभी कभी कह रहा हूँ, अदरवाइज नहीं आती, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ मेन पे भी और शॉप पे भी कोई वर्क नहीं कर रहा, तब ये हम इस तरह यूज़ करते हैं कस्टम लिंक। कस्टम लिंक में एक और भी चीज़ है, कस्टम लिंक और भी बहुत बेनिफिट देता है, कस्टम लिंक में अगर मुझे मेन्यू में बताना होता, जैसा कि अक्सर मेन्यू में आ जाता है कि अपनी वेबसाइट का लिंक, तो जैसा कि मैंने कॉपी किया, अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस मेन्यू पे क्लिक करूँ, कौन से वाले पे, सर्विस ये मेन क्लोथ के, तो ये यूआरएल लगा दिया बस, और ये क्या कर दिया, ये सेव ही ऑटोमेटिकली, इधर ऑटोमेटिकली सेव होता है और आपने सिर्फ नीचे आके सेव करना है। और अब ये क्या होगा, जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया, मैन पे गया, मैंने क्लिक किया और ये क्या किया, गूगल पे ले आया, ये क्या होता है, कस्टम लिंक, ठीक है, जैसे एंकर टैग में लिंक लगाते थे इसी तरह ये कस्टम लिंक होता है, ठीक हो गया। अब समय लगी या अभी भी नहीं लगी, आपकी आवाज ही कट गई, एक दफा रिपीट कर दें, ठीक है, चल पड़े। तो मैंने क्या किया, मैं दोबारा जा रहा हूँ, मैं प्लगइन पे गया, एड न्यू पे गया, ठीक है, और मेरे पास काफी सारे प्लगइन हैं, अगर तो आपको प्लगइन का नेम याद है तो आप लिख दो, अदरवाइज अगर उसका कुछ भी पार्ट याद है, प्लगइन का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लगइन यूज करना है, इस वैसे आपको सर्च होगी नहीं, हाँ अगर आपको उसकी उसका ये पता है कि ये काम परफॉर्म करता है, आप गूगल करो कि ये काम मैंने परफॉर्म करना है, इसके मुताबिक का प्लगइन चाहिए मुझे, ठीक है, गूगल करो,
अदरवाइज अगर नाम याद है या किसी ने बताया हो तो आपने उसका नेम सर्च करना है, ठीक है। मुझे चाहिए था क्लासिकल एडिटर, अदरवाइज यहाँ पर पड़ा हुआ था क्लासिकल एडिटर, ठीक है। मुझे क्लासिकल एडिटर चाहिए। मैंने क्लासिक लिखा, अब क्लासिक इतने सारे आ गए, क्लासिक एडिटर आ गए, एड ऑन आ गया, ठीक है। तो क्लासिक प्लस काफ़ी सारे क्लासिक आ गए, ठीक है। पर मुझे क्लासिक एडिटर चाहिए। मैंने क्या किया, इंस्टॉल नाउ कर लिया। तो उस प्रोसेस लेगा, इंस्टॉल नाउ में इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से एक्टिव नहीं करना चाह रहा तो मैं दोबारा प्लगइन में जाता हूँ, सेम इसी तरह का जिस तरह पहले वो बने हुए थे, जो उनसे मैंने डिलीट किए हैं, सेम उसी तरह बन के आ रहे हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ एक्टिव कर रहा हूँ। अगर एक्टिव नहीं कर, अब ये एक्टिव हो गया। तो अगर आप चाह रहे हो कि ये, अगर आप ये चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि आप कोई प्लगइन नहीं यूज करना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है प्लगइन में, जो भी आ रही है, तो आप क्या कर दो, सिंपल डीएक्टिव कर दो, बस डीएक्टिव करके। अगर डिलीट करना चाह रहे हो तो डिलीट कर दो, अगर नहीं करना चाह रहे तो एक्टिव कर दो, ठीक है। अब यहां तक हो गया कंप्लीट। अब हमारे पास क्या डाउनलोड हो गया, क्लासिक एडिटर। अब क्लासिक एडिटर का क्या काम है वो हम थोड़ा सा देखते हैं। अब मैंने पेजेस बनाए, पेजेस पे गया, मैंने काफी सारे पेजेस, तो हम होम पेज को थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। मैंने होम पेज को, अच्छा एक चीज मैं वहां पर बता दी थी कस्टमाइज में, पर मैंने यहाँ पर नहीं बताई। आपने अगर सेटिंग पे जाएंगे तो सेटिंग में जाके रीडिंग में जाएंगे, रीडिंग में जाएंगे, और जब भी आप कोई वेबसाइट को न्यू ओपन करते हैं तो आपके पास इस तरह का कुछ बना हुआ आता है, ठीक है। आपने क्या करना है, होम पेज को सिलेक्ट करना है कि जैसे ही मैं जब क्लिक करूँ तो ये देखो, ये देखो, जब भी मेरी वेबसाइट कोई ओपन हो, मेरा कौन सा पेज हो, होम पेज ये वाला ओपन हो, ठीक है। ये देखो, जैसे ही मेरी वेबसाइट का नेम लिखा, मेरा होम पेज ओपन हुआ। तो उसके लिए मैंने उसे क्या कहा, मैंने स्टैटिक खुद अपनी मर्जी से सेलेक्ट करना है। मैंने कहा जब भी मैं क्लिक करूं मेरा ये होम पेज ओपन हो, और पॉज पेज मैंने नहीं दिया, ठीक है, और मैंने सेव कर दिया। ये चीज़ आपको मैंने वहां बताई थी कस्टमाइज में भी, पर मैंने इसका दूसरा तरीका भी बता दिया, सेटिंग में जाके रीडिंग में जाना है, ठीक है। अब वापस मैं अपने पेजेस पे आ रहा हूँ, पेजेस में है ये देखो, उसके साथ लिखा गया फ्रंट पेज, लिखा गया ना। अगर आप इसके अंदर, अगर आप ये देखो अबाउट के, अबाउट को सिलेक्ट करते हैं तो अबाउट पे फ्रंट पेज लिखा जाता है। तो मुझे अब जाना है एडिट पे, एडिट पे जा रहा हूँ। तो एडिट पे मेरे पास ओपन होगी एक इंटरफेस, और इंटरफेस थोड़ा सा इस टाइप का ओपन होगा। पहले ये इंटरफेस नहीं नजर आया था, क्यों नहीं था, क्योंकि पहले हमने सिंपल इंटरफेस आ रहा था जैसा कि उस पे था, जैसा उसने बिल्ट इन किया हुआ था। अब हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आ रहा है। ये क्या है, ये है क्लासिक एडिटर, ये जो सब बना हुआ है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या था, ये क्लासिक एडिटर है, ठीक है। अब इस पे काफी सारी ऑप्शन है, अभी तो इस पे वर्क करते हैं थोड़ा सा। अभी देखो इस पे क्लिक कर रहा हूँ ड्रॉप डाउन पे, ये बाकी चीजें भी ओपन करके मुझे प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर आपको, अभी देखिए यहाँ पर इसको बड़ा करने का ऑप्शन भी होगा, भाई क्लासिक नहीं, ठीक। तो अब अगर हमें कोई आर्टिकल बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, ये देखो कराची न्यूज़ निकाले, ठीक है, तो न्यूज़ पूरी निकल आ रही है, तो तस्वीर, ठीक है। तो असल में उर्दू में है, तो अभी उर्दू में मैंने वर्क नहीं करना, इंग्लिश, ठीक है। तो कोई भी आर्टिकल खोलते हैं, ठीक है। अब मुझे ये आर्टिकल है, पर होम पेज में आर्टिकल कभी नहीं बनाते, सिर्फ मैं बताने के लिए बना रहा हूँ कि क्लासिक एडिटर का काम क्या है। अब क्लासिक एडिटर हमारा हर जगह यूज हो जाएगा, पोस्ट पे भी आ जाएगा, ठीक है। पोस्ट पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ एडिट करके, तो ये पोस्ट पे भी आ गए, ठीक है। अब ये जो चीजें हमने बनाई हुई है, ये देखो ये आर्टिकल, ये क्लासिक एडिटर के साथ आया है, ठीक है। ये देखो, अब देखो, अब वो चीज बन गई जो कल बनाना चाह रहे थे। ठीक है, अब वो चीज बन गई है जो कल हम बनाना चाह रहे थे, ठीक है। ये सेंटर में आ गया, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए,
ये वो चीज़ है जो उनसे कल हम कह रहे हैं सर बात में जो सब प्रॉब्लम कर रही थी हमें, ठीक है। अब हमें इसको उठा के जहाँ भी लेके जाना है इसे ले जाओ, ठीक है, ओके। तो ये जो सा क्लासिक एडिटर का काम, अब आपने क्या करना है, क्लासिक एडिटर एक डाउनलोड करना है, उस पर वर्क करना है। सबसे पहले आपने आपके आज का काम है, पोस्ट कर रहा हूँ, ये वर्क इतना करना है। अब आपने होम पेज को कुछ नहीं अभी डिवेल्प नहीं करना, होम पेज, ठीक है, तो पेजेस कोई भी डिवेल्प नहीं करने, सिर्फ पोस्ट डिवेल्प करनी है दोबारा, अगेन किस पे करनी है, अब क्लासिक एडिटर पे, तो इसे मैं पोस्ट कर रहा हूँ।